कश्मीर में आखिरी चरण के लिए मतदान जारी है। 7 जिलों की 40 सीटों पर मतदान चल रहा है और अब तक करीब 12% मतदान हुआ है। जम्मू में 11.46% मतदान हुआ, कुपवाड़ा में 11.27%, बांदीपोरा में 11.64%, बारामूला में 8.89% और उधमपुर में 14.23% मतदान हुआ। कठुआ में 13.09% वोटिंग हुई है। तो जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण के लिए मतदान जारी है। 7 जिलों की 40 सीटों पर मतदान हो रहा है और अब तक करीब 12% मतदान हो चुका है। और सीधे रुख करेंगे संवाददाता समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, आज जम्मू कश्मीर में जो वोटिंग हो रही है, अभी कितना 7 जिलों की 40 सीटों पर किस तरीके का उत्साह देखा जा रहा है, क्या तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं? मैं बता दूं, अगर हम उत्साह की बात करें तो जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जो पहले दो फेजेस में इलेक्शन वोटिंग हुई, उसी तरह का मनाजिर, उसी तरह के विजुअल्स आपको यहां पे दिखेंगे। और आप देख सकते हैं, ये पीछे मेरे एक पिंक पोलिंग स्टेशन है जम्मू में, और आप ये देख सकते हैं लोगों की खासी तादाद, खासकर यंगस्टर्स आप देख लीजिए, इनमें से बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं, लड़कियाँ भी हैं यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उनकी एक भारी संख्या यहाँ पे आप देखने को मिलेगी। और यही जो दृश्य है आपको हर जगह मिलेंगे जम्मू में या कश्मीर में, क्योंकि आज तीसरा फेज है और 10 साल के बाद जो इलेक्शन हो रहे हैं, जाहिर तौर पर जो एक्साइटमेंट है, जो उत्साह है, वो देखने को मिल रही है। जबरदस्त उत्साह है। और जो दो फेजेस पहले हुए थे, उसी की तरह थर्ड फेज में भी लोग पीसफुली, बिल्कुल शांतिपूर्वक अपने घरों से निकल रहे हैं। सुबह से ही हमने देखा, जब 7 बजे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, तो उसके बाद लगातार लोगों की जो लोगों का इन पोलिंग स्टेशन पर आना शुरू हुआ, और ये अभी भी जारी है। जिस तरह यंगस्टर्स आप देख रहे हैं, बहुत ही यंग लड़के हैं। फर्स्ट टाइम वोटर हो क्या? हाँ जी, फर्स्ट टाइम वोट डाल रहे हो? कहाँ से? यहाँ कहाँ रहते हो? नानक नगर। फर्स्ट टाइम वोट डाल रहे हो, क्या आपकी जो आगे की सरकार है उससे क्या उम्मीद है? यही कि जॉब वगैरह प्रोवाइड करें जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उसको। अच्छा। तो बाकी उम्मीद तो यही कि ऐसा ही होगा। तो 10 साल के बाद और आपको मौका मिल रहा है इलेक्शन में, मतलब वोट डालने का, कितनी एक्साइटमेंट हो रही है? काफी एक्साइटेड है। आपका नाम? अलीशब सिद्धू। क्या कहेंगे आज 10 साल के बाद? आप भी पहली बार? जी पहले फर्स्ट टाइम वोटर हो? फर्स्ट टाइम। क्या है मुश्किलात जो आप चाहते हो समाधान होना चाहिए? यही एजुकेशन के बारे में ही, बाकी सारा एजुकेशन। जी, आप क्या करते हो? अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ, 12th क्लियर हुई है अभी। अच्छा जी। आपका नाम? सप्रिंस संधू। क्या कहेंगे आप पहली बार वोट डाल रहे हो? जी, क्या कहेंगे आज वोट पहली बार डाल रहे हो, क्या कहेंगे? सर, यही कहना चाहता हूँ कि जो जैसे टैक्स में डिडक्शन होनी चाहिए एज कम्पेयर टू जैसे पहले, अभी हम जैसे वोटिंग दे रहे हैं, इससे टैक्स में भी हमें हेल्प होनी चाहिए। जैसे अभी टैक्स बहुत बढ़ा दिया है, जैसे जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं, जो एम्प्लॉयर हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया है एज कम्पेयर टू बिजनेस ओनर्स, सो उसे कम करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में क्योंकि धारा 370 हटने के बाद पहली बार असेंबली पोल हो रहे हैं, लोकसभा के पोल हुए, क्या लगता है आपको कि कितना परिवर्तन आना चाहिए आगे? बहुत परिवर्तन आया हुआ, आगे भी परिवर्तन आना चाहिए अभी जो भी इलेक्शंस में खड़े हैं। सॉरी सर। तो ये देखिए, वोट डालने के लिए निकल रहे हैं और लंबी कतार, जिस तरह मैंने कहा कि जो फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं, और लगातार ये जो पिंक पोलिंग स्टेशन बना है, इसमें यहाँ पे वोट डालने के लिए कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम काजल। पहली बार वोट डाल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, फर्स्ट टाइम। कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है वोट पहली बार? एक्साइट। क्या चाहते हो सर? के बाद फर्स्ट टाइम वोट डाल रही हूँ अपनी ही भारत सरकार से। क्या चाहते हो आप, जो नई सरकार बनेगी, जो एमएलए आपका बनेगा? बेरोजगारी खत्म हो जाए बस, और क्या चाहिए? बेरोजगारी खत्म हो जाए। हाँ जी। आप जी देखिए, उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, और अगर हम यहाँ पे युवाओं की बात करें तो यहाँ पे भी वही चीज है जो बाहर है, और वो है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। ये लोग अनएम्प्लॉयमेंट का सोल्यूशन चाहते हैं कि जो सरकार यहाँ पे आए वो यहाँ पे उनके मसले हल करे। बिल्कुल। और यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग पहुंच भी रहे हैं वोट डालने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का, जहां जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोटिंग के बाद उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में वोट की अपील की है। मैं
लंबे अरसे के बाद इलेक्शन हो रहे हैं 10 साल के बाद, तो जो लोग कहते थे कि इलेक्शन नहीं हुए, अब उनको आना चाहिए मैदान में सब जगह से, पूरे परिवार समेत, और अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, वोट देना चाहिए। वो उनकी मर्जी है कि किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को वो वोट डालें, उसमें हमारा कुछ कहना नहीं है, लेकिन वोट का इस्तेमाल हर व्यक्ति को करना चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में अखनूर और एलओसी से सटे गांवों में मतदान प्रक्रिया जोरों पर है। लोगों ने भारी उत्साह दिखाया है और खासकर उन वेस्ट पाकिस्तानी शरणार्थियों में जिन्हें पहली बार वोट डालने का मौका मिला है। विधानसभा चुनावों को लेके आज लोगों में काफी उत्साह है। लोग काफी तादाद में पोलिंग बूथ पे वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी जिन्होंने आज पहली बार वोट डाला वो हमारे साथ बने हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम और आज आपने पहली बार वोट डाला, कितनी ज़्यादा खुशी आपको? सर जी नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से आपका बहुत ही नमस्कार। और दूसरा बात है नरेंद्र भाई मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजियों की हक दिलाया, 35370 तोड़कर जो हमें एक वोट डालने का हक दिलाया, हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है। आज बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि 70 सालों से पहली बार हमें वोट डालने का हक मिला है जो पहले नहीं था। और धन्यवाद करते हैं हम सरकार का, उन्होंने 370 और 35 को समाप्त किया, और ख़ास करके वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज हैं जो 1947 के, उन परिवारों को एक राहत मिली है, उनको नागरिकता प्रदान करवाई गई है, और वोट डालने का आज जो हक मिला है हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है। और सरकार का हम सब परिवार वाले दिल की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करते हैं और भगवान से मंगल कामना करते हैं कि ऐसी सरकारों को बरकरार। नेपाल में हुई भारी बारिश के बाद बिहार में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया और इस समय बिहार के करीब 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। लाखों लोग पानी से प्रभावित हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक 56 साल बाद कोसी और 21 साल बाद गंडक नदी में इतना अधिक पानी आया है कि नदियों के जलस्तर ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। बाहर में 16 जिलों के 55 प्रखंडों की लाखों आबादी बाढ़ में घिरी है। खबर है कि बिहार के अलग अलग जिलों से 8 लोग जिंदा बह गए हैं। बिहार में गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा समेत सभी नदियां उफान पर हैं। 24 घंटे में प्रदेश के अलग अलग जिलों में 7 तटबंध टूटे हुए हैं। दरभंगा के कीरतपुर में कोसी बांध का पश्चिम तटबंध टूटा तो सीतामढ़ी और शिवहर जिले में 4 जगह पर तटबंध टूटने के बाद इलाके में स्थिति खराब हो गई है। पूर्व चंपारण के सुगौली प्रखंड में सकरहना नदी के दबाव से गोंडी गवा गांव में रिंग बांध टूट गई है, जबकि गोपालगंज में गंडक नदी के मंगलपुर पुल के पास गाइड बांध ध्वस्त होने से रामपुर टेंगराही गांव में पानी भरने लगा है। बिहार की नदियों ने बहुत दिनों बाद अपना हाहाकारी रूप दिखाया है। नतीजा ये हुआ कि कई जगह तटबंध तो कई जगह रिंग बांध टूट गए। दरभंगा के किरतपुर में कोसी बांध का पश्चिमी तटबंध टूट चुका है। सीतामढ़ी और शिवहर जिले में 4 जगह पर तटबंध टूटने के बाद इलाके में स्थिति काफी खराब है। सीतामढ़ी के बिलसंड और रून्नी सैदपुर प्रखंड के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सीतामढ़ी में ही बागमती का तटबंध टूटने से नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। रून्नी सैदपुर प्रखंड के महसा फरकपुर पंचायत में अचानक से बाढ़ का पानी फैलने से लोगों ने घर बार छोड़कर अब पलायन शुरू कर दिया है। गोपालगंज में गंडक नदी के मंगलपुर पुल के पास गाइड बांध ध्वस्त होने से रामपुर टिंगराही गांव में पानी से तबाही शुरू हो गई है। रामपुर टिंगराही और राजवाही गांव में 13,000 से अधिक लोगों के घर डूब चुके हैं।
वहीं पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड में सिकरहना नदी के दबाव के कारण उत्तरी सुगाव पंचायत के गोंडी गवा गांव में रिंग बांध टूट गया। पानी के फैलने से हजारों हेक्टेयर की फसल को नुकसान पहुंचने का अनुमान है। मतलब ये कि भले ही नदियों का जलस्तर घट रहा हो, बिहार के लोगों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वहीं सिद्धार्थनगर में बहने वाली पांच में से चार नदियां राप्ती, बूढ़ी राप्ती, कूड़ा और घोंघी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से बाढ़ का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यूज 18 की टीम ने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर बाढ़ ग्रस्त इलाके का जायजा लिया तो गांव तक जाने वाली नाव पूरी तरह क्षतिग्रस्त मिली। न्यूज 18 की टीम कमर तक पानी में घुसकर गांव पहुंची और वहां के ग्रामीणों से बात की तो लोगों ने अपना दर्द बयां किया। जब न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पे कवर कर रही है तो लोगों की दुश्वारियां जो देख रहे हैं उससे पता चल रहा है कि दुश्वारियां बहुत ही ज्यादा है। जो पिछले 45 दिनों में जो लगातार बाढ़, तीसरी बार जो बाढ़ आई है, इससे स्थिति और भी भयावह हो गई है। आइए बात करते हैं इसी कोयडा डांड़ के एक स्थानीय नागरिक से। बाबा जी, क्या नाम है, क्या परेशानी होता है? रामदास। क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी घर में पानी हो गया है, खाने पीने का छत पे रहना पड़ता है। और वो स्वास्थ्य का दवाई वाई कैसे आ रहा है? यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो हम अपने मध्यप्रदेश की आर्थिक व्यवस्था भी 5 साल में डबल करने वाले हैं। इस प्रकार से विकास के मामले में मध्यप्रदेश देश का नंबर वन राज्य बने, इस प्रयास में हम लगे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे हमारे अपने सारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी अपनी चिंता करके आ रहे हैं, हमने सबने कोशिश की है कि मध्यप्रदेश को एक नए रूप में भी लाना है और जहाँ तक अभी हम चले थे उससे और आगे डबल स्थिति पाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में विकास के इसी क्रम को हम जारी रखेंगे। बहुत धन्यवाद। मेरी आज की चर्चा में एक सकारात्मक पक्ष ये रहा कि कांग्रेस के मित्र भी ये कह रहे हैं कि हम बराबरी से सहयोग करेंगे विकास के मामले में, हमारे अपने मध्यप्रदेश के विकास में हम कदम से कदम मिलकर चलाना चाहते हैं। हमने भी कहा कि अच्छी बात है, मध्यप्रदेश की सरकार सदैव सभी इसे सकारात्मक सुझाव का स्वागत करती है और हम सकारात्मक पक्ष को लेकर चलना भी चाहते हैं। हम अपने अपने दलों की सीमा में, अपने दलों के एजेंडे के आधार पर जहाँ जो बात रखना वो बात जरूर रखो, लेकिन विकास के मामले में सरकार सबको लेकर साथ चलना चाहती है, ये हमारी नीति भी है और ये हमारा अपना यशस्वी प्रधानमंत्री का दिया गया मार्गदर्शन भी है। तो देखिए, आप सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे और जो मीटिंग बुलाई गई है, इस मीटिंग में जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके साथ बातचीत हो रही है और आज उमंग सिंघार के नेतृत्व में तमाम जो कांग्रेस विधायक हैं ये पहुंचे हुए हैं और तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है उस बैठक की, जब ये लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि जो सुझाव मांगे गए हैं वो उनसे नहीं मांगे गए हैं बल्कि सिर्फ बीजेपी विधायकों से मांगे गए हैं, और इसके बाद से तमाम ये मुद्दा चर्चा में रहा है। लेकिन अभी ये बैठक अब बुलाई गई है जब कांग्रेस के तमाम विधायक पहुंचे हुए हैं सीएम से मुलाकात करने के लिए और प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर, विकास के मुद्दों को लेकर, योजनाओं को लेकर चर्चा हो रही है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं भोपाल से, जहां पर नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इस दौरान लंबे समय से ये मांग थी कि उन्हें बैठक के लिए बुलाया जाए और आज का दिन तय हुआ था जब बैठक में
तमाम कांग्रेस विधायक शामिल हैं और इस दौरान क्षेत्र के विकास को लेकर, योजनाओं को लेकर, तमाम जो अभी मौजूदा मुद्दे हैं उसको लेकर बातचीत हो रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।